दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में देखे थे और हम लोग इस तरह से देखे थे ताकि हम लोग का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट वहां क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, हम लोग आज राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें को देखेंगे, चूँकि हम लोग वहाँ देखे थे कार्यपालिका की जिसे में हम लोग टॉपिक का वर्णन कर रहे थे, उसमें हम लोग देखे कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के पद कार्यरत हैं, वहाँ उनके पद का वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे और राष्ट्रपति के आज हम लोग पद से संबंधित बातें पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, पदावधि बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, योग्यता, शपथ और महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसे हम लोग देख लेते हैं कि पद की संबंधित जो बातें बताई गई है आर्टिकल 52 में बताई गई है, निर्वाचन से संबंधित बातें 54 में बताई गई है, निर्वाचन से की रीति जो है इसे 55 में बताई गई है। निर्वाचन की रीति मतलब इनके क्या क्या रूल हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किन किन नियमों के तहत होता है, किन किन रूल के तहत होता है, तो वह रीति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के योग्य हैं, अर्थात कौन कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति का चयन कर सकते हैं अपने मतदान के तहत। इनके पदावधि पद के बारे में बताया गया है और यह पद के बारे में 56 में बताया गया है। पूर्ण निर्वाचन इसमें बताया जाता है कि एक राष्ट्रपति वे अपने कितने बार, भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि वह कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक बार बन सकते हैं कि कितना बार बन सकते हैं, हम लोग जब चर्चा करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। योग्यता देखेंगे कि एक अगर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। शपथ के बारे में हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 60 में है। महाभियोग के बारे में देखेंगे, महाभियोग आकर राष्ट्रपति कोई भी असंवैधानिक रूप से किसी भी संविधान के रूलों का हनन करती है या उनके नियमों का पालन नहीं करती है तो किस तरह से लोकसभा में बिल, लोकसभा एवं राज्यसभा में पास करके राष्ट्रपति को उनकी पद से मुक्ति दिलाई जा सकती है, अर्थात उनके पद से निकाला जा सकता है, या महाभियोग में पढ़ेंगे, अर्थात आर्टिकल 61 में इसका वर्णन मिलता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पद से संबंधित बातें। अगर आप पीछे वाली वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कार्यपालिका के क्या काम होते हैं, चूंकि यह जो भाग है या जो पोर्शन है आपको कार्यपालिका का ही पोर्शन है। वहां हम लोग कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के बारे में पढ़े थे और हम लोग पहले पूर्ण रूपेण कार्यपालिका की सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम लोग अनुच्छेद को डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर इसके उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में। जैसे ही कार्यपालिका की सारी पोर्शन खत्म हो जाती है वैसे फिर हम लोग विधायिका या न्यायपालिका की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग पद से संबंधित बातें करते हैं। पद से संबंधित, चूँकि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद सर्वश्रेष्ठ, हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। इसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति को भारत संविधान में भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास, आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास बहुत ऐसी शक्तियां होती है जो वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के तहत वे अपने शक्तियां का प्रयोग करते हैं। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि नामित प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए वास्तविक शक्ति लगा दे, चूंकि भारतीय संविधान में वास्तविक शक्ति किसके पास है,
तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि जो राष्ट्रपति के पास है वो नामित शक्ति है, नाम प्रकार की शक्ति है, और जो वास्तव प्रधानमंत्री के पास है वह वास्तविक शक्ति है। चूंकि राष्ट्रपति के पास बहुत ऐसे अधिकार हैं जो ये अपने अधिकार को प्रधानमंत्री को उपयोग करके अपने अधिकार को उपयोग में लाते हैं, अर्थात राष्ट्रपति ये अपने अधिकार को अर्थात ये अपने शक्ति को स्वयं उपयोग नहीं करके अपने शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री के तहत करवाते हैं राष्ट्रपति। इसलिए वास्तविक शक्ति अगर पूछा तो प्रधानमंत्री के पास होती है, नामित शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। मुझे आशा है आपको राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ संबंधित बातें आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे सीधे सीधे जनता मतदान नहीं करती है, सीधे सीधे जनता मतदान नहीं करती है, उस चुनाव प्रक्रिया को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप के रूप में देखते हैं। लेकिन जनता तो डायरेक्ट वोट अथवा मत देने की काम नहीं करती, लेकिन जनता द्वारा चुना गया वह प्रतिनिधित्व वे राष्ट्रपति को चुनने में अपना मत देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जनता, ये सपोज ये जनता है, या लोकसभा का चुनाव होता है, या विधानसभा का चुनाव होता है, या विधानसभा का चुनाव होता है। जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो ये जनता अपने अपने बहुमत सॉरी अपने मत को प्रत्यक्ष रूप से अर्थात अपने मत को गुप्त मतदान के तहत अपने मत को डायरेक्ट रूप से इस सदस्य को चुनने में अपना मतदान का उपयोग करते हैं। जनता अपनी मतदान को लोकसभा सदस्य को चुनने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती है, चाहे वह विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो। विधानसभा में हम लोग चुनते हैं MLA को, जिसे हम लोग विधायक के नाम से जानते हैं। तो इसमें विधायक को अगर डायरेक्ट चुनती है तो जनता चुनती है, क्योंकि ये यह प्रत्यक्ष विधि हुआ, यह चुनाव का प्रत्यक्ष विधि हुआ जिसे जनता डायरेक्ट किसी प्रतिनिधि को चुनती है, किसी उम्मीदवार को चुनने की काम करती है, वह प्रत्यक्ष विधि हो गया। अप्रत्यक्ष विधि वह हुआ जैसे आप लोकसभा या विधानसभा मिलकर राष्ट्रपति जैसे पद के लिए चुनते हैं। तो ये तो डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है, जनता द्वारा चुना गया वह प्रतिनिधि तो अब राष्ट्रपति को चुनने की काम करती है। तो जनता के द्वारा तो डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इसलिए इसके लिए तो अप्रत्यक्ष हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं जनता द्वारा भेजे गए वह प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देते होंगे, अपना मतदान करते होंगे। तो वो कौन कौन से प्रतिनिधित्व होते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जैसे पद के लिए राष्ट्रपति को चुनते हैं? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर,
विधानसभा के मेंबर और पुडुचेरी एवं दिल्ली में विधानसभा शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो यहाँ के भी लोग चुनाव करते हैं, अर्थात पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा में, चूंकि हम लोग को पता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या 552 है, जिसमें से 545 अभी है, 545 में दो नॉमिनेटेड होते हैं, दो मनोनय होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या सभी के सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मत करते हैं? राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, क्या वो 12 लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान देते हैं? विधानसभा या यहाँ विधान परिषद भी होता है, चूंकि विधान परिषद हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि विधान परिषद हर राज्यों में अभी उपस्थित नहीं है, और विधानसभा हर राज्यों में उपस्थित नहीं, तो कुछ राज्यों के लोग विधानसभा के विधान परिषद के तहत अगर मतदान करते हैं तो ये असमानता को दिखाता है, इसलिए हम लोग विधान परिषद की बात नहीं करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, चूंकि हम लोग को पता है कि हर एक राज्य में विधानसभा प्रणाली को अपनाया गया है लेकिन विधान परिषद को अपनाया नहीं गया, इसलिए विधान परिषद के लोग वहाँ चयनित राष्ट्रपति को नहीं करते हैं, पुडुचेरी एवं दिल्ली की विधानसभा। तो क्वेश्चन ये था कि लोकसभा में 552 सीट है, 552 सीट में अभी 545 है जो कि अभी इतने पद पे लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, और 50 सीट खाली है, ठीक है, और 545 में दो लोग नॉमिनेटेड हैं, अर्थात 543 लोग बचे मूल रूप से जो निर्वाचित हैं, वैसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, नॉमिनेट लोग नहीं, अर्थात मनोनय लोग नहीं। राज्यपाल में 250 सीटें होती है, 245 अभी कार्यरत हैं, अर्थात 245 लोग अभी इस पद पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, तो अब बच गया 233, अर्थात हम लोग इसे जोड़ देखते हैं दोस्तों, दोनों 6, 7, 7, 776 लोग लोकसभा एवं राज्यसभा से हमारे राष्ट्रपति पद को चुनने में अपनी मतदान करते हैं। अब विधानसभा में अर्थात विधायकों की संख्या अधिक होती है, तो ये है 4021, चूंकि ये 700 में है और ये 4000 में है, तो असमानता हो जाएगी, असमानता इस प्रकार से हो जाएगी, चूंकि जिधर चाहे एमएलए अपनी मतदान को देखकर राष्ट्रपति को चयनित कर सकते हैं, अगर लोकसभा चाहे या ना चाहे ये अपने बलबूते विधानसभा के एमएलए लोग जितने लोग हैं वे अपने मतदान के तहत राष्ट्रपति को चाहें तो चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं है, इनकी अधिक संख्या है तो ये चाहे तो उसे राष्ट्रपति चयनित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है, उनकी जो है कम सीटें हैं, इनको चाहे ये चाहे तो जिसे चाहे राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन ऐसी भी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन प्रक्रिया है क्या, आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन की रीति, ये चीज को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन की रीति। हम लोग यहाँ पढ़ लिए कि लोकसभा में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और पुडुचेरी दिल्ली के लोग विधानसभा के सदस्य हमारे राष्ट्रपति पद को चयनित करने के लिए जाते हैं, मत देते हैं, और वैसे लोग जो सिर्फ व सिर्फ इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड की बात नहीं करते हैं, नॉमिनेटेड इसमें अर्थात मनोनय लोग इसमें राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि चुनाव करने की रीति क्या होती है, चूंकि यहाँ अधिक संख्या थी, चाहे तो अपने बलबूते राष्ट्रपति को घोषित कर सकते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा की क्या काम है, तो ऐसी में हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन की रीति।
निर्वाचन की रीति होती है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, समान प्रतिनिधित्व एवं एकल हस्तांतरणीय एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा समान अनुपातिक अगर किसी एक विधायक की मत मूल को प्राप्त किया जाए तो उसमें से एक है राज्य की कुल जनसंख्या। एक विधायक की मत मूल प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बाई राज्य में प्रतिनिधित्व राज्य में निर्वाचित कुल सदस्य राज्य के विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य बाई, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट हम लोग यहां लिखते हैं। विधायक का जो कुल मत निकाला जाता है वो राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य के विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य 22,000। तो मान लेते हैं हम लोग दस लाख लोग हैं कोई राज्य में, उसमें विधायक 10 है मानते हैं और इसमें हम लोग निकालते हैं तो विधायक का मूल मत जो निकलेगा 40 क्रॉस चलेगा तो एक विधायक का मूल मत 10 निकला। अर्थात एक विधायक अगर किसी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर एक विधायक वोट देता है तो वो 10 व्यक्ति की शक्ति को प्राप्त करके वो विधायक को वोट देता है। अर्थात 10 व्यक्ति का पावर एक विधायक के पास है, 10 व्यक्ति का शक्ति एक विधायक को प्राप्त है। ऐसे में हम लोग लोकसभा के भी देखेंगे कि ऐसे में कैसे लोकसभा सदस्यों का मूल मत निकाला जाता है। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे लोकसभा सदस्यों का कैसे निकाला जाता है। यहां देखेंगे विधायकों का मूल मत बटा लोकसभा के सदस्य
के निर्वाचित सदस्य ऐसे निकाला जा सकता है। वैसे हम लोग वहाँ 10 निकाले थे इसी फॉर्मूला के तहत। इसमें कोई भागा उगा नहीं करना है, डिवाइड वगैरह नहीं करना है, उसमें ऐसे सिंपल इसे छोड़ देना है, फिर निकाला जाता है। तो चूंकि हम लोग को फाइनल ये प्राप्त होता है कि लोकसभा एवं जो संसद का जो लोकसभा या राज्यसभा की बात की जाए और इधर विधायक की मतों की जो होती है वैल्यू, वो फाइनली सेम आती है बराबर आती है। मुझे आशा है आपको यह प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। अगर विधायकों को 100 मत मिल जाता है तो, और अगर लोकसभा में 10 ही मत मिलता है तो 10 या मत 100 मत के बराबर होता है। तो मुझे आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकी वो संख्या तो अधिक थी लेकिन इसकी संख्या अगर 100 होती है तो इसकी संख्या 10 के बराबर होगी। भले लोकसभा राज्यसभा में कम होती है लेकिन इसकी जो कम तुलना की जाएगी इसे की जाएगी। अगर इसमें 10 है तो और इसमें 100 है तो बराबर ही माना जाएगा। तो फाइनल ये देखा जाता है कि कुल मिला के दोनों की मतों की जो मत की वैल्यू होती है वह सेम होती है। अगर मुझे आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं अलग रूल से आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। अब हम लोग देखते हैं चुनाव की रीति समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं पदावधि। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें पद क्या है। तो किसी भी राष्ट्रपति का जो पद होता है वह हम लोग देखते हैं कि 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है। वे अपने त्याग पत्र अगर देना चाहें तो वे अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति को कैसी वैसी विपत आ जाती है, चाहे तो किसी कारणवश उनकी तबीयत खराब हो जाती है या उनकी कारणवश मृत्यु हो जाती है या कोई भी आपदा उस टाइम आ जाती है जो वो अपने पद पे कार्यरत रहने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो वैसी अवस्था में अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और या उपराष्ट्रपति तब तक चलाएगा या उपराष्ट्रपति को या पद संभालने के लिए 6 मंथ तक का ही समय होता है। इसके बाद इसके अंदर ही अंदर चुनाव आयोग को चुनाव करवानी होती है ताकि इस देश को एक राष्ट्रपति मिले। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो त्याग हम लोग देख लिए, त्याग पत्र इसे किसको देता, उपराष्ट्रपति को। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति अपने पद पे कब से कार्यरत हो जाते हैं, नॉमिनेशन होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद या शपथ ग्रहण करने के बाद। तो आपका आंसर होगा शपथ ग्रहण करने के बाद, अर्थात जब वे अपना शपथ ले लेते हैं तब तो वे अपने पद उसी समय से वे अपने पद का कार्यभार संभालना स्टार्ट कर देते हैं। शपथ लेते हैं वो, शपथ लेने के बाद कार्यभार संभालते हैं, शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार संभालते हैं। ऐसा नहीं कि निर्वाचन अर्थात इलेक्शन में जीत गए उसी समय से उनकी सत्ता उनके हाथों में चली गई, वैसा भी बात नहीं है। जब तक कि वो शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक उनकी सत्ता उनके हाथों में नहीं सौंपी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण निर्वाचन। पूर्ण निर्वाचन कहने का तात्पर्य कि एक राष्ट्रपति हमारे देश में एक राष्ट्रपति एक ही बार राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य हैं या चाहे तो हर बार या जब तक उनकी शक्ति है वे अपने राष्ट्रपति पद को संभाल सकते हैं। तो ऐसा है, हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण निर्वाचन, हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि वे अपने पद को अपने सक्षम योग के अनुसार अगर
वह अगर लगातार बहुमत प्राप्त करते जाते हैं तो वे अपने सत्ता को हर बार संभाल सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे दूसरा बार मौका नहीं मिलता, ऐसा नहीं। जब तक उनके पास बहुमत है, जब तक उनके पास बहुमत हासिल करने की योग्यता है, वे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, जब चाहे, जितना बार चाहे, वे राष्ट्रपति का पद अपना सकते हैं, कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश हैं जैसे यूएसए, यूएसए में दो बार से अधिक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे नहीं जा सकता है। क्योंकि अब तक जो हमारे देश में है, वे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे देश के दो बार राष्ट्रपति बने, बाकी अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो पूर्ण निर्वाचन कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक बहुमत प्राप्त हो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, जब तक बहुमत प्राप्त हो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है, एक दो बार बनना, तीन बार बनना, चार बार बनना। ऐसे एक व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद जो दो बार बने हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जो दो बार बने हुए हैं। तो पूर्ण निर्वाचन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता हम लोग देख लेते हैं दोस्तों।